देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन कॉट ऑफ 2x टाइम्स कॉट ऑफ 3x इज इक्वल टू 1, और कह रहा है 4x लाइज बिटवीन 0 टू पाई। अब आप देखो इसमें हम कॉट के टर्म्स में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, हम टैन के इसमें कर लें, इसको इस तरफ लेकर चले जाएं तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, टैन ऑफ 2x टाइम्स टैन ऑफ 3x इज इक्वल टू 1। ठीक है, टैन ऑफ a प्लस बी आप जानते हो क्या होता है, tan of a प्लस tan of b अपॉन 1 माइनस tan of a टाइम्स tan of b। ठीक है, अब आप देखो यहां से अगर हम देखें तो a 2x है, b हमारा 3x है, और ये हम कह रहे हैं 1 के बराबर, तो इसका मतलब अगर हम डिनोमिनेटर को जीरो कर दें तो हमें ये सिमिलर कंडीशन मिल जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो, इसका मतलब a प्लस b हमारे पास क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक है, a प्लस बी 90 होगा तो हमारे पास ये दोनों मिल जाएगा। इसका मतलब 2x प्लस 3x किसके बराबर होना चाहिए, 2x प्लस 3x हमारे पास कितना होना चाहिए, पाई बाई 2 के इक्विवेलेंट। तो 5x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, पाई बाई 10 आ गया। ठीक है, तो पाई बाई 10 आ गया। अब इसके बाद देखो x हमें 0 टू 0 से पाई के बीच में कह रहा है, एक तो वैल्यू हमें मिल गया ये पाई बाई 10 मतलब 18 डिग्री। दूसरा आप देखो ये a प्लस बी पाई बाई 2, दूसरा 3 पाई बाई 2 पे भी हो सकता है, इसका मतलब 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। तो यहां से 5x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, तो x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 10। पाई बाई 10 को सीधे आप क्या कह लो, 18 डिग्री कह लो, तो इससे क्या हो जाएगा 3 इंटू 18 डिग्री विच इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो एक देखो 18 डिग्री आया, एक 54 डिग्री आया। ठीक है, अब इसको पाई बाई 2 कहे थे, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, देखो ऑड मल्टीपल ऑफ 18 आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास 18 डिग्री आएगा, 54 डिग्री आएगा, 18 54 18 25 90। ठीक है, 18 6 टोटल से 18 7 26, और उसके बाद हमारे पास एक और आएगा 18 26 18 54 18 25 90 18 27 26 से 18 18 9 62 से। ठीक है, ये देखो 1 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 7 टाइम्स है, 9 टाइम्स है, उसके बाद हम अगर 11 टाइम्स करेंगे तो 180 डिग्री का बाहर चला जाएगा, इसलिए हमें टोटल यही वैल्यूज हमें मिलेंगे। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएंगे, इसके टोटल सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, ओनली 5। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस कदर आपको सॉल्व करना था।